नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार टुटोल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जितने भी अब तक मिनी प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं उसको कैसे डिप्लॉय करेंगे लाइव सर्वर पे। तो आज हम फ्री होस्टिंग यूज करेंगे नोड जेएस की। मेरे पास आप गूगल में सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ सर्च किया है नोड जेएस फ्री होस्टिंग, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको मिलेंगे ऑप्शन जहाँ पे आप होस्टिंग यूज कर सकते हैं, कितने सारे हैं। उसमें से मैं एक होस्टिंग यूज कर रहा हूँ जो कि है milesweb.in। ये आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्राइट फ्री का। माइल्स वेब में जाएंगे, ट्राइट फ्री का इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इसमें क्या करना है कि अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करनी है। यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, आपके ईमेल आईडी डालेंगे, फिर साइनअप करेंगे। आपको वेरिफिकेशन मेल आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आएगा, यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन का आएगा। आप अकाउंट वेरीफाई करेंगे अपना, अकाउंट जैसे ही वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपका जो भी मोबाइल मतलब मोबाइल नंबर आपको मांगेगा वहाँ से मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कराएगा सारा चीज़ कराने के बाद। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। मैं सीधे लॉगिन कर देता हूँ अपने पैनल में जो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, ये देखिए, ताकि आपको मैं आगे का प्रोसेस दिखा सकूँ। और हम डाटाबेस कनेक्शन के लिए MLab यूज करेंगे। हम अपनी फाइल तो होस्ट इस पर करेंगे, जितनी भी फाइल्स है इसके अंदर होस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ बना हुआ है मेरा फाइल, इसमें होस्ट करेंगे। बट एक्सक्यूएल के लिए हम क्या करेंगे, MLab का यूज, सॉरी MongoDB के लिए यहाँ पे MLab का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अब बात आती है कि कोड को डिप्लॉय कैसे करेंगे। हमारा जो कोड है लोकल, उसमें मैं पहले कोड दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरा पड़ा हुआ है कोड, ये रहा PMS का, ठीक है। ये कोड है, क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है सारे को और इसका एक जिप फाइल बनाएंगे जितने भी कोड हैं। अब जैसे ही जिप फाइल बनेगी मैं आगे प्रोसेस करके दिखाते हैं आपको। और साथ ही साथ जब तक ये जिप फाइल बन रही है तब तक हम क्या करते हैं, इसमें एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है MLab में कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे अब मैं डाटाबेस नया क्रिएट कर लेता हूँ सिंपली। यहाँ पे आए, अब मैंने अमेजन वेब सर्विस यूज किया, सैंडबॉक्स अकाउंट, कंटिन्यू। मैंने सर्वर देखना है क्या वर्जीनिया का, आयरलैंड का है, कौन सा यूज करना चाहते हैं। तो हमारे जो पास में होगा उसको यूज करेंगे, हमारे पास में ये लग रहा है, इसको मैंने यूज किया। डाटाबेस का नाम देंगे, इसको मैंने नाम दिया PMS। आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जैसे ही डाटाबेस क्रिएट हो जाता है तब तक देख लेते हैं कि हमारा ये भी जिप फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं। ये देखिए क्रिएट हो चुका है जिप फाइल, ठीक है। कोई अब यहाँ PMS में आए, ये देखिए डाटाबेस क्रिएट हो चुका है, प्रोग्रेस में है। अब जैसे ही डाटाबेस हमारा ये क्रिएट हो गया, अब इसमें यूजर क्रिएट करना होता है आपको। मैंने बता रखा है कि जैसे डाटाबेस क्रिएट हो जाता है उसके बाद इसके एक यूजर भी क्रिएट करना होता है वैलिडेट करने के लिए। तो यूजर के लिए यूजर नेम मैं कर देता हूँ PMS यूजर, ठीक है सर। पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड डाल लीजिए जो भी आपको सही लगे आपके अकॉर्डिंग। ये मैंने पासवर्ड भी कर लिया, अब मैं क्रिएट करता हूँ। तो जैसे ये डाटाबेस भी क्रिएट हो गया हमारा परफेक्टली, चलो अच्छी बात है। अब हम वापस जाते हैं इसके मेन डैशबोर्ड मेन उस पर और हम अपने सिर्फ डाटाबेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा, ये देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग भी बन चुका है। यहाँ पे यूजर नेम देना है और जो पासवर्ड मैंने अभी यूजर का बनाया है वो, और ये URL पूरा पास करना होगा, ठीक है। अब हमारा कोड जैसे कि यहाँ पे जिप हो चुका है तो हमें क्या करना है, पहले इसको अपलोड करना है। ये देखिए आर्चीव का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अपलोड करूँगा मैं अपना कोड। तो यहाँ पे गए, सेलेक्ट करते हैं, हमारा डेस्कटॉप पे है PMS के नाम से, ये रहा फाइल, ओपन किया हमने। अब यहाँ पे कमेंट कुछ भी दे दीजिए, तो यहाँ पे नाम देता हूँ PMS कोड फाइल। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड हो जाता है अब फिर मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करते हैं अपलोड होने का। ये देखिए अपलोड हो चुका है। अभी सर्च को यहाँ पे जैसे ही माउस ओवर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आया डिप्लॉय करने का, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा अपना इन्वायरमेंट। तो इस पर देखिए मेरा ये है अपाची, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सर्वर जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है। अब मैं इसको डिप्लॉय करूँगा सिंपली, बहुत ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है ये। अब जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे प्रोसेस करेंगे। ये डाटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग हमें मिल गया है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ तब तक, और कनेक्शन स्ट्रिंग हम अपना बना लेते हैं डाटाबेस के लिए। यहाँ पे यूजर नेम पास डाल देते हैं जो कि हमने बनाया था, तो हमने लिखा था PMS DB
दिया। ये मेरा यूजर नेम था उसका, पास मतलब डाटाबेस का पासवर्ड था, ये मेरा पासवर्ड था, ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुका है। तो जैसे डिप्लॉय हो जाता है फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं इसमें। ये देखिए डिप्लॉय हो गया, यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि डिप्लॉय हो चुका है। डिप्लॉय होने के बाद फिर हम यहाँ पे रूट वाले, इसके अंदर हमारी सारी फाइल होगी, तो उसके लिए हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, ये देखिए एप्लीकेशन सर्वर के आगे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रूट आ गया फोल्डर। अब यहाँ पे लोड होने दीजिए कोड को, इसमें फिर जाएंगे होम के अंदर। जैसे ही होम के अंदर जाएंगे ये देखिए इसके अंदर एक फोल्डर है जेलास्टिक, इसके अंदर हमारा कोड है, ये रूट फोल्डर के अंदर रूट में ही है हमारा सारा का सारा कोड। तो रूट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो भी कोड हमने किया था, ये देखिए मॉडल्स हमारा है, मॉडल्स में ही कनेक्शन स्ट्रिंग हमें चेंज करनी है। तो मॉडल्स के अंदर गए और सभी यूजर्स में पहले चेंज करेंगे, फिर उसके बाद बाकी सब में वन बाई वन सब तीनों फाइल में हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग डाटाबेस का चेंज कर देंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, बिल्कुल सही है। सेव करते हैं हम इसको, तब तक बाकी भी ओपन कर लेते हैं, पासवर्ड कैटेगरी भी ओपन कर लेते हैं साथ ही साथ, और ऐड पासवर्ड का, यही तीन कनेक्शन स्ट्रिंग हैं अपने पास। इसको पेस्ट किया, सेव किया, फिर इस पे भी गए, इस पे भी इसको सेव किया। अब जैसे ही ये तीनों में सेव हो चुका है, ये देखिए तीनों सेव हो चुके हैं। अब जैसे ही सेव हो चुका है आपको अगर अभी आप रन करेंगे तो नहीं वर्क करेगा, उससे पहले अब जैसे ही सेव होता है हमें फिर से यहाँ से सर्वर को क्या करना होगा, रिस्टार्ट करना होगा। तो मैं सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि जो भी चेंजेज हो गए हैं डिप्लॉय किए हैं हमने चेंजेज, उसको एक बार रिस्टार्ट करेंगे। जैसे हम Node.js में क्या करते हैं, खुद भी लोकल होस्ट में करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं तो फिर उसको रिस्टार्ट करते हैं, अगर Node.mon यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ भी उसी तरह एक बार सर्वर को रिस्टार्ट करना होता है, तो वेट करते हैं रिस्टार्ट होने का। जैसे ये देखिए मैसेज आ गया कि सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही रिस्टार्ट हो चुका है यहाँ पे ये देखिए, तो अब क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे तो ओपनिंग ब्राउजर, यहाँ पे आपको URL मिल गया, ये देखिए ट्यूटोरियल्स वेबसाइट, ये मेरा URL, ये देखिए डैशबोर्ड, क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन है, लॉगआउट कर दिए हम आ चुके हैं फ्रेश। ये देखिए अब आपका कोड लाइव हो चुका है, यानी कि मेरे सर्वर जो भी मैं कोड लाइव कर रहा था वो हमारा अब लाइव हो चुका है। अब डाटाबेस में जाते हैं तो इसमें देखिए अभी कोई भी कलेक्शन नहीं क्रिएट है। अगर आप डाटाबेस में जाते हैं अपने, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी डाटाबेस PMS जो हमने बनाया था, इसके अंदर भी कोई भी कलेक्शन नहीं बना हुआ है, मीन्स कि कोई भी डाटाबेस में अभी वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है। यहाँ देखिए पासवर्ड कैटेगरी है और ये यूजर्स है, दो कलेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, पासवर्ड कैटेगरी और यूजर्स का, ठीक है, ये कौन सा है PMS का, ठीक है। अब जैसे ही हो गया, अब इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे हम देखिए अभी तक मैंने आपको दिखाया इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, दोनों में 0-0 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक साइन अप करता हूँ नया अकाउंट, ताकि आपको समझ में आए। ये है नया अकाउंट मैं कर रहा हूँ, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया, ठीक है, उसके बाद मैं पासवर्ड डाल देता हूँ एक, साइन अप करूँगा तो साइन अप हो जाना चाहिए। ये देखिए आ गया यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। अब यहाँ पे 0-0 है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे 0 की जगह अब एक यूजर आ जाएगा, जैसे ही हो जाए ये देखिए 1 हो गया, यानी कि एक यूजर रजिस्टर हो चुका है। यूजर्स को देख लेते हैं क्या रजिस्टर हुआ है, ये देखिए जो मैंने अभी डिटेल एंटर किया है वही यूजर यहाँ पे रजिस्टर हुआ है, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए जो हमने ईमेल यूजर नेम डाला है और पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड और यहाँ पे ईमेल आईडी, वो सारा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो ये हमारा अब कोड लाइव है, अब यहाँ से लॉगिन भी करेंगे तो परफेक्टली लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करके दिखाता हूँ, लॉगिन किए तो ये देखिए डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं, और ये मैंने आप कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा कि डैशबोर्ड पे अपना जो भी कितनी कैटेगरी हमारा क्रिएट हुआ है, कितने टोटल पासवर्ड क्रिएट हुए हैं, वो सारा यहाँ पे काउंट करके डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उस ये कोड ऑलरेडी मैं क्या करूँगा कि उसको जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो, उसके बाद मैं इसको GitHub पे लाइव कर दूंगा इस कोड को, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा जो ये होस्टिंग का लिंक है, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके आप यहां से यूज कर सकते हैं इस होस्टिंग को, तो आपको गूगल में सर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, मैं एक दो कैटेगरी बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो भी 00 है कैटेगरी, मान लो मैंने बनाया गोड आईडी, ऐड कैटेगरी, इसके बाद सी याहू मैंने बनाया, यहाँ पे भी सी पैनल मैंने बनाया, ठीक है, तीन चार तीन बना दिए हमने। अब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे काउंट बढ़ गया कि तीन यहाँ पे हो चुके हैं। वैसे ही पासवर्ड ऐड करेंगे, मान लीजिए गोड आईडी का मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा गोड आईडी, यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी लिख दो, कोई भी लिंक इसी को मैंने कॉपी कर लिया मान लीजिए, वो तो अपने ऊपर है। यहाँ पे जो भी यूजर नेम पासवर्ड होगा आपका, इसका यूजर नेम कर दिया हमने पासवर्ड, यूजर नेम ABC, पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड कर दिए एक, अब यहाँ पे काउंट हो जाना चाहिए, देखिए काउंट हो गया 1। तो इस तरह से आपका डाटाबेस भी यहाँ पे हो गया। अब डाटाबेस में भी जाएंगे तो ये सारे कलेक्शन आपको अब दिखेंगे। ये देखिए रिफ्रेश करता हूँ मैं, बैक जाके होम पे चले गए, फिर हम डाटाबेस पे आए। डाटाबेस में अब सारे कलेक्शन क्रिएट हुए होंगे, ये देखिए पासवर्ड डिटेल का भी कलेक्शन क्रिएट हो गया, कैटेगरी का, कैटेगरी में भी 3 यहाँ पे काउंट हो गया, पासवर्ड डिटेल में भी 1 काउंट हो गया, जो कि हमारा यहाँ पे भी काउंट हो रहा है 3 और 1। तो इस तरह से दोस्तों आपका कोड लाइव हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा ये वाला, ताकि आप खुद से भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं हमारे जो भी मैंने अभी कोड लाइव किया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस आपको करना क्या है, आपको इसमें या फिर जो भी आपको फ्री सर्वर मिल रहा है Node.js का, उस पर जाइए जिस पे भी आपका अकाउंट है, या फिर आपका खुद का लाइव सर्वर है जो कि परिचेजेबल है, तो उसमें बस सिंपली आपको यही करना है। तो ये तरीका होता है अपने जो भी Node.js के कोड है उसको लाइव करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को मिला होगा इससे। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करें दोस्तों के साथ, और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे Node.js अब ये Angular.js पे बनाते हैं या फिर React.js पे, वो अगले फ्राइडे को आपको पता चलेगा कि इसमें हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक चैनल, जो हमारा पेज है, उस पर भी जाएंगे facebook.com/tutorials वेबसाइट, इस पर भी जाइए और यहाँ पे भी पेज को लाइक कीजिए, ताकि आपको अपडेट यहाँ पे ऑटोमेटिक मिले, जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो यहाँ पे भी अपलोड होंगे, तो यहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है। तो इसको भी लाइक ज़रूर करें पेज को, और अपना कमेंट ज़रूर दें। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि होगा, अभी मुझे भी नहीं कन्फर्म है किस टॉपिक पर हम बनाएंगे आगे की वीडियो, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।